Oh man, भाई क्रैश हो गया था यार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। तो यार आज काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो एक मोटो व्लॉग ही है, जैसा आपको पता है मैंने लास्ट टाइम जो संडे राइट थी वो अपलोड करी थी, और उसके बाद से मेरी कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है, इवन कि कोई शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड नहीं करी है। काफ़ी ज़्यादा मैं अनएक्टिव हो गया था अपने चैनल पर। एक तो यार मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, क्या बताऊँ, रेड करने का मन तो दूर, बंदा रजाई से बाहर नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दिया राइड के लिए, कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरे एक दो वीडियोस उन्होंने देख ली थी, तो उनको थोड़ा बहुत वो रैश लगा एंड स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए। तो बट कोई सीन नहीं है, जल्दी मैं एक्टिव हो जाऊंगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाकी यार अभी हम जा रहे हैं राइड पे, एंड आज की जो हमारी राइड होगी वो बेसिकली लीन होंगे, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल रोड है ना, वहाँ पर हम लीन करेंगे खतरनाक तरीके से, और अपने साथ होगी RC390। तो आपको पता है वो जो राइडर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी राइड करता है, देखते हैं कैसे रहते हैं उसके लीन्स। एंड बाकी यार एक अपडेट ये है कि जल्दी हमारा एक ट्रैवल ब्लॉग आने वाला है, तो हमारी एक ट्रिप प्लान हो रही है शिमला एंड कुफरी वाली साइड। एंड बेसिकली जो ट्रिप होगी वो बाइक पे नहीं होगी, वो होगी हमारी गाड़ियों पे। सो देखते हैं कैसे नहीं रहता, जो सब भी होगा आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिलती रहेगी, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। सीन हो रहा कि मैंने अपना जो फ़ोन था वो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो मैं पहले सोचा था कि उसको ना अपग्रेड कर लेते हैं नई बैटरी के साथ, देन मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका, तो मैं उसको सेल करके नया ले रहा हूँ, ज़्यादा 14 प्रो इवन फिर 13 प्रो। सो देखते हैं कौन सा रहता है, एंड मैं लूँगा भी 256 GB, क्योंकि यार नॉर्मल 64 GB या 128 GB मेरे ना लेवल की नहीं रही, क्योंकि हमने व्लॉगिंग वगैरह करनी रहती है तो सारा कुछ डाटा अपने फ़ोन में सेव रहता है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं, मिलते हैं अपने बाइक पे। हमारे साथ आ चुकी है RC390। अब हमारी जो राइड होगी वो होगी RC390 के साथ। सो पहले मैं यहाँ पर ना एक रील शूट कर लेता हूँ। आज की जो वीडियो होगी ना वो बेसिकली आपको मैं बताता हूँ वो होगी लीन गेम पे, क्योंकि ये रोड है ना, ये सिंगल लेन है, तो यहाँ पे लीन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो सारे लीन्स आपको करके दिखाएंगे। ओके ओके, तो भाई आज की राइड हो चुकी है यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे हमने छोटी सी व्हीली के साथ स्टार्ट करा है, अभी आप देखना जब RC390 यहाँ से हमें एक फ्लाईओवर देगी एंड जो लीन्स होंगे ये चेक करो, ये देखो क्या धुआं होना था, निकल रही है बाइक, क्या बात है मैन। सो लेट्स गो, आप देख के चलो आप लीन्स और ब्लॉक एंजॉय करो, ठीक है। इस वीडियो में ना मैं बोलूँगा कम ही, अरे भाई 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 भाई, ठीक है, बोलेंगे कम दिखाएंगे ज़्यादा, क्योंकि बोलने के चक्कर में ना मैं रह जाता हूँ पीछे फिर। ओ हो, मेरा ज़्यादा ध्यान से बोलने में चला जाता है एंड ब्लॉग ऐसा कैसा ही रह जाता है भाई, वो सीन है। ओ यार ये इतना खतरनाक लीन था और सारा का सारा खराब हो गया, शिट, ये चेक करो यार खतरनाक मैन, भाई आज सी थोड़ी ना मानेगी मेरी जान। क्या बात है, रिएक्शंस क्या एक नंबर आ रहे हैं यार, मेरा ना गोप्रो थोड़ा सा लाइट हो गया। अबे आराम से चल ले, मेरे गोप्रो ना मैंने अच्छे से टाइट नहीं करा तो ना बार बार लूज हो रहा है यार, एंगल ना खराब हो जाए सारे के सारे। ओह फक, मैं डिसबैलेंस हो गया था। ये एमएल लीन्स, ये देखो, दैट वॉज सुपर बडी। भाई इसको पूरा वो पूरा फुटर से टच हुआ, मैंने अपना लीन छोड़ दिया मैंने उसके पीछे, मुझे लगा ये अब गया, ये बोल दी अब गया मैं। नेक्स्ट लेवल ना यार, नेक्स्ट लेवल मैन। अबे मैंने इसको समझाया था कि आराम से चलियो, मेरे पास इतनी पावरफुल बाइक नहीं है, बट ये रुक ही नहीं रहा, पापा रुक जा तेरे मिरर्स के पीछे।
ओ मेरे गुरु, इसका इतना ज़्यादा वेट है ना, बाइक हिलती भी नहीं है इसके नीचे से, और मैं इतना ज़्यादा हल्का हूँ कि थोड़ा सा भी बम पाएगा मैं वो पड़ूंगा उठ के। अबे यार सारे ब्लॉक ही ना इसने माँ बहन करके। शुक्र है यार, अब इसको समझा दो भरावा थोड़ी आराम नाल चल। तो ये रहे भाई आरसी, एंड ये दिया ओवरटेक हमने इस ट्रक को। ओ हो 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 हो, क्या बवाल राइड हो रही है मैन। ओए तेरा फुटरेस खला लग गया, पता तेरा फुटरेस खला लग गया पीछे। मां कसम जुले फुटरेस लग गया ना, मैं अपना लीन छड़ी तो मैं बाहर चली गया, मैं के गया। बात है यार सुपर राइड मैन, सुपर राइड, फुल पावर चल रहा है दोनों। ओहो यार जो मेन मेन लीन्स है ना वो सारे खराब हो रहे हैं। वो देखो यार क्या खतरनाक लीन था, एक और रिएक्शन से देखो। अबे शिट यार, यार ये यहाँ पे कौन फेंक गया यार रोड में, भाई क्रैश हो गया था यार। वो सारी ना वो सीमेंट का मिक्सचर बना के ना यहाँ पे साइड में फेंक दिया यार, वहाँ से पूरी बाइक डिस्बैलेंस हो रही थी। मैं रिएक्शन दे रहा था आपको, सारा कुछ खराब हो गया। ओ भाई क्या खतरनाक राइड चल रहे यार, फुल पावर लीन चल रहे हैं मैन। बाइक पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है भाई इस रोड पे। मैं तो यूज्ड टू हूँ, लेकिन अगर आप आओगे ना भाई लीन्स को देखे ना बैक मत जाना, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे जंप्स काफ़ी ज़्यादा है। ये चेक करें आप, क्या बात है भाई, हो नेक्स्ट लेवल मैन। अब यहाँ पे देखियो वो देखो, तो ये पूरा को पूरा ना फुटरेस नीचे दे देता है यार। ओहो पिछली बार ना मेरी यहाँ पे इसके साथ रेस हो रही थी, यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ ये देखो छोटे मोटे जो जंप्स हैं ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। रिएक्शन नोट करो मैन, बाकी सब छोड़ो आप। ओ आराम से यार, वो देखो लीन्स यार। मेन सीन पता क्या है, मैं यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा ना अपना इलाका है, मेरे को हर कोई जानता है। मेरी बाइक ओनली वन है यहाँ पे, इवन की पूरे कठों में एक है, तो जब भी इसको कोई देखता है ना भाई हर बंदा पहचान जाता है कि ये लीन चेक करो आप, क्या बात है यार। तो भाई ये मेन लीन है, अब ये ख़राब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आगे कोई आना नहीं चाहिए यार। ऑटो वगैरह तो है ही है यहाँ पे, एक बाइक भी है। हाँ यार जो मेन लीन्स है ना भाई वो मैक्सिमम ख़राब ही हो रहे हैं अपने तो, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइड हुई है भाई। ये छोटी सी राइड है अराउंड 5-10 मिनट की, बट नेक्स्ट लेवल राइड है भाई, फुल पावर चल रहे हैं दोनों राइडर्स। ओके गाइस तो यही तक थी भाई आज की हाइपर से हाइपर राइड, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप गाइस आपको ये मस्त सी तगड़ी सी हाइपर सी राइड अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राइड हार्ड राइड सेफ, तब तक के लिए गुड बाय।